भारतीय क्रिकेट फैंस सचिन तेंदुलकर के बिना भारतीय क्रिकेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि सचिन तेंदुलकर भारत से पहले किसी और देश के लिए खेल चुके हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। क्रिकेट के दुनिया का भगवान सचिन भारत से पहले पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। 1989 में सचिन जो अपने करियर की आगाज करने वाले थे, उससे पहले 1987 में पाकिस्तान की ओर से एक फ्रेंडली मैच में वो खेल चुके हैं। मुंबई के ब्रेबन स्टेडियम में मैच हो रहा था। इस मुकाबले के दौरान सचिन ने एक सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में पाकिस्तान की तरफ से भूमिका निभाई थी। इस मैच में सचिन ने करीब 25 मिनट तक पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। सचिन से जुड़े ऐसे ही कुछ और रोमांचक किस्से हम आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कल यानी 24 अप्रैल को सचिन का 36वां जन्मदिन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओंकार और आप देख रहे हैं टॉप 10 हिंदी। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की कोचिंग के लिए सजा के तौर पर भेजा गया था। हुआ यूं कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान पड़ोस के घर में टीवी पर गाइड फिल्म आ रही थी। सचिन पेड़ पर चढ़कर फिल्म देख रहे थे, जहां से वो गिर गए। इसके बाद उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उनको सजा के तौर पर क्रिकेट की कोचिंग के लिए भेजा। इसके बाद क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया जानती है। थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही हैं। 1992 में डरबन में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले जा रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन जोंटी रोड्स के थ्रो के बाद यह मामला तीसरे अंपायर को रेफर किया गया। अंपायर कार्ल लाइबनबर्ग ने सचिन को आउट करार दिया। सचिन तेंदुलकर को फिल्मों का शौक बचपन से ही था। क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने के बाद भी उनका यह शौक कभी कम नहीं हुआ। 1995 में सचिन तेंदुलकर वेश बदलकर रोजा फिल्म देखने थिएटर गए, लेकिन वहां उनका चश्मा गिर गया और दर्शकों ने सचिन को पहचान लिया। इसके बाद वहां ऐसी अफरा तफरी मची कि सचिन को वापस लौटना पड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने वाला सचिन तेंदुलकर अपने पहले दो वनडे में शून्य पर आउट हो गए थे। अपने पहले दोनों मैचों में दूसरी गेंद पर आउट हुए। तीसरे मैच में जाकर उन्होंने कहीं रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। 100 शतक जमाने वाले सचिन को अपना पहला वनडे शतक जमाने के लिए 79 वनडे मैचों का इंतजार करना पड़ा था। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन और शतक बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम ही है। साल 1998 में सचिन ने 1894 रन बनाए थे और 9 एक दिवसीय शतक ठोक दिए थे। सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच रवि शास्त्री की कप्तानी में खेला था। सचिन ने अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी मैचों में शतक जड़ा था और ऐसा करने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। अपने 24 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में सचिन तेंदुलकर मात्र एक बार स्टंप आउट हुए थे। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज एसले जाइल्स की गेंद पर बेंगलोर टेस्ट के दौरान सचिन को जेम्स फॉस्टर ने स्टंप आउट किया था। अपने करियर के शुरुआती दिनों में सचिन एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन MRF पेस फाउंडेशन के तत्कालीन प्रमुख डेनिस लिली ने 1987 में उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी ऊंचाई कम थी और वह बाउंसर का इस्तेमाल नहीं कर पाते। लिली ने सचिन को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देने की सलाह दी और उसके बाद जो हुआ वो एक इतिहास बन गया। बचपन में सचिन अगर नेट्स में पूरा सत्र यानी पूरा सेशन बिना आउट हुए खेल लेते थे तो उनके कोच रमाकांत आचरेकर जी उन्हें एक सिक्का देते थे। सचिन के पास ऐसे 13 सिक्के आज भी सुवेनियर के रूप में मौजूद हैं। सचिन की पहली ब्रांड इंडोर्समेंट हेल्थ ड्रिंक्स बूस्ट के लिए थी। 1990 में पहली बार टीवी पर दिखे इस विज्ञापन में कपिल देव उनके साथ थे। भारत के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का डिब्यू कर रहे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एलन मुलाली ने शिकायत की थी कि सचिन तेंदुलकर सामान्य से ज़्यादा चौड़े बैट से खेल रहे हैं। सचिन काफ़ी भारी बैट से खेलते थे, जो लगभग 1.5 किलोग्राम वजनी होता था। इतना भारी बल्ला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के लायंस क्लूजनर ही इस्तेमाल करते थे। सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर प्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन यानी SD बर्मन के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सचिन रखा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सचिन अपने पिता की दूसरी पत्नी के संतान हैं। उनकी पहली पत्नी से 3 संतान थे, जिसमें से एक अजीत तेंदुलकर थे। अब बात करते हैं सचिन के करियर के बारे में। सचिन ने 200 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 53.79 की एवरेज से उन्होंने 15,921 रन बनाए हैं। इसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 248 रन रहा था। अपने करियर के दौरान टेस्ट मैच में उन्होंने 51 शतक और 68 अर्धशतक लगाए हैं और बॉलिंग करते हुए 46 विकेट भी लिए। वनडे करियर की बात करें तो वनडे में उन्होंने 463 मैच खेले हैं, 44.83 के औसत से 18,426 रन बनाए हैं। इनमें उनका हाईएस्ट स्कोर 200 रन था। उन्होंने 49 शतक और 96 अर्धशतक बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने 154 विकेट भी लिए हैं। पुरुषों के वनडे क्रिकेट में पहला डबल सेंचुरी लगाने वाले सचिन ही थे। ये कारनामा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया था। T20 करियर की बात करें तो इंटरनेशनल मैचों में
सचिन सिर्फ एक T20 मैच खेले जिसमें उन्होंने 10 रन बनाए थे। IPL की बात करें तो IPL के 78 मैचों में सचिन ने 2334 रन बनाए, इनमें उनका एवरेज 33.83 रहा। इसमें एक सेंचुरी और 13 हाफ सेंचुरी थे। उनका हाईएस्ट स्कोर 100 रन था। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट की बात की जाए तो संयुक्त रूप से सचिन ने 50,192 रन बनाए हैं, जिनमें 142 सेंचुरी और 244 हाफ सेंचुरीज हैं। इसके अलावा उन्होंने 274 विकेट भी लिए। सचिन के बारे में ये कहा जा सकता है कि न भूतों न भविष्य थे, यानी ऐसा क्रिकेटर जो पहले न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने सुझाव या सवाल हमें कमेंट कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली में के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अंपायर कार्ल लाइनबर्ग अंपायर कार्ल लाए लाए बन अंपायर कार्ल अंपायर